आज टेबल टेबल की मारा मारी है, टेबल टेबल की मारा मारी जो है ना अभी, लेट्स सी। ओ आई होली, दोस्त भी हमारा जो है ना वो अलग से आता है बिल्कुल। तो भाई आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एपीडी लोन के कॉन्सर्ट पे, और वहाँ जा रहे हैं। कॉन्सर्ट नहीं मतलब उसका प्राइवेट शो। उसने यार असल में एपी का, एपी भाई साहब का मैसेज आया था, कहता है वकार भाई, डकी भाई आओ, ठीक है हमारे घर चाय वाय पे, हम लोग जा रहे हैं चाय वाय पीने उसके साथ, रोटी शोटी खा के आते हैं उसके साथ। और ऐसी चाय पीने जा रहे हैं कि उसके घर में टेबल लेने का टेबल नहीं मिल रही हमें। टेबल की बहुत मारा मारी, अब टेबल पे देखें हम कुछ कर पाते नहीं कर पाते, लेट्स सी। तो डकी भाई आपकी शादी जो है, शादी कार्ड पे क्या लिखा होगा? डकी भाई शादी कार्ड पे साद लिखा होगा, साद रहमान। अच्छा तो ये आपको भाभी क्यों पसंद आई, क्या वजह थी ऐसे, क्या माशाल्लाह इतनी आपके पास लड़कियां हैं जिंदगी में इतनी है, तो आपको क्या ऐसे, क्या आपको शक्ल अच्छी लगी, आते अच्छी लगी, मतलब व्हाट वाज द, कहते हैं ना वो पॉइंट आता है कि यार कुछ कुछ होता है यार, सब कुछ जो है ना स्लोली स्लोली हुआ है। मेरी पिछली 3 साल पुरानी दोस्ती, तो अच्छा पहले दोस्ती, हाँ पहले 3 साल पुरानी मेरी दोस्ती, तो आते अच्छी है, अच्छी लड़की है, दिल की अच्छी है, तो आपको पता है ना जब शादी होती है तो औरत एक नए रूप में सामने आती है, आपको लगता है कि शादी के बाद ये होंगी जो आपको फोन चेक करेंगी? शायद फोन ना चेक करें, लेकिन अपने ज़हन में कुछ ना कुछ रखेगी, अच्छा अब ये कर रहा होगा, अब ये कर रहा होगा। आपका क्या स्टार साइन है? स्टार साइन मेरा क्या, 21 दिसंबर को क्या स्टार साइन होगा? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। और भाभी का क्या? वो है उनका 10 दिसंबर सजिटेरियस। ठीक है, तो अच्छा ये मुझे बताओ कि शादी फिर है कब? शादी करते हैं इस साल के आखिरी कुछ महीनों में करते हैं, डन करते हैं कुछ। अच्छा अच्छा, सर्दियों में? सर्दियों में, सर्दियों में होनी चाहिए, कपड़े शपड़े पहनने को जो है ना थोड़ा वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, में पसीना लहदा आ रहा होता है। तो मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी अपना अप्रैल में के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये शादी दिसंबर में हो जाएगी और मेहंदी अप्रैल में होगी? नहीं, ये तो नहीं, मेहंदी होगी फिर शादी होगी ना, मतलब हकीकत को तो नहीं समझ रहा। और कितने बच्चे का इरादा है आपका? बच्चे जितने अल्लाह ने दिए, बच्चे कम ही, दो ही अच्छे। अच्छा दो? हाँ एक दो, एक दो बहुत है। अच्छा आप इस पे बिलीव करते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी सेंटर जो है जैसे होते हैं, और इसी तरह होते हैं जहाँ पर आप जाएं तो कहते हैं जी 4 या 5 लाख रुपए में आपको बेटा पैदा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी, या आप कहते हैं नहीं यार जो हो वो ठीक है? नहीं मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कि कोई सेंटर भी होता है। अच्छा तो ये फिर व्लॉगिंग कैसी होगी, रोस्टिंग के ऊपर? अच्छा आपका रिश्ता हो गया ना? बातें हो रही है अभी, बातचीत तक है फिलहाल। तो जो रिश्ता होना है, जो रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स क्या नजर आई, जो नए रोस्टर आ रहे हैं, जो नए कॉमेडियन आ रहे होते हैं, उनको थोड़ा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? थोड़ा बहुत जो है आपको, इवन अगर आप शुगर भी लगा रहे हो इंटरनेट पे, आपको थोड़ा बहुत जो है अपनी इमेज एक थोड़ी पॉजिटिव उसमें रखनी पड़ती है, ठीक है? आप हर किसी को नहीं समझाते फिरोगे कि आप करेक्टर प्ले कर रहे हो, रोज शुगर लगा रहे हो, ये वो, आप बेशक दिल से जितने मर्जी अच्छे हो, लेकिन वो थोड़ा लोगों को समझाना पड़ता है। तो इस चीज को वैसे ही जो है ना थोड़ा मैंने अवॉइड करने के लिए जो है ना व्लॉगिंग की तरफ आया हूँ। व्लॉगिंग के अंदर भी कभी कभी आपको पता ही, अभी शुगर में कोई गाली वाली निकल आती है, लेकिन वो एडिटिंग में थोड़ा एडजस्ट हो जाती है। लेकिन 10 मिनट में तो 15 गालियां तो तुमने दे दी, वो कट हो जाएगी ना अभी। अच्छा नहीं तो उनका रिएक्शन क्या था कि जी डकी भाई का रिश्ता है? यार उनका रिएक्शन कुछ नहीं था, वो मैं सोच रहा हूँ भाभी ने बताया कैसे होगा कि एक लड़का है वो बड़ा काम करता है। जी क्या काम करता है? रोस्टिंग, और उसका नाम है डकी भाई। तो सासू माँ का क्या रिएक्शन था? वो मैंने कभी पूछा नहीं, पूछूंगा मैं, दोस्ती है ना, फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम, क्या एग्जैक्ट बात हुई थी वो मैं पूछूंगा अभी। क्या आपने अपने सबक क्या सीखा आपने इस पूरी ड्रिल से, जब शादी और बच्चे होने हैं? हाँ। तो जितने यूट्यूबर और बाकी जैसे भी आपने बताया कि इमेज थोड़ा सेट रखना है, लेकिन आपको क्या सेटबैक, कोई झटका लगा था? अबे यार अच्छा मैं इतना काम करता हूँ, इतने पैसे भी बनाता हूँ, और ये मेरे साथ जो है अब ये वाली बात हो रही है? नहीं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए व्लॉगिंग जो है ना इस वक्त ज्यादा फ्रूटफुल हो रही है फॉर रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग में आपको पता ही यार कभी एज रिस्ट्रिक्शन लग गई, कभी कौन कौन सी स्ट्राइक आ गई, कभी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कभी फलाने ने वीडियो उड़वा दी, कभी किसी ने कंप्लेन कर दी, फिर ये पता ही है ये पाकिस्तान के लॉज भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इन मामलों में, तो उस चीज को भी उनमें परो ही ना, ठीक है? तो वो जो है मेरे लिए, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि अगर आपने शादी बच्चे बच्चे करने तो रोस्टिंग से अपना यूट्यूब पे ना जाए, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी भी देखो, अभी जो मैंने जिनको साल दो साल पहले भी रोस्ट किया ना, वो अचानक ही मिलते हैं, नाराज मिलते हैं, नाराज मिलते हैं, जेन्युइन नाराज मिलते हैं, और नाराजगी में वो अपने दूसरे लोगों को बुला लेते हैं, आओ यार नाराजगी पूरी करें, फट्टे शट्टे करवाने आते हैं कभी कभी, तो वो ये अनहेल्दी चीजें हैं। अच्छा तो ये शादी के बाद आप भाभी को काम करने देंगे? वो काम करती हैं, करेंगी? स्टूडेंट है।
नहीं नहीं काम आप करने देंगे आप, आपका ऐसा है सीन या आप कहेंगे नहीं यार घर पे बैठो? नहीं नहीं मैं खुद भी चाहता हूँ यार, मैं तो वर्कहोलिक लोगों के साथ उठना बैठना चाहता हूँ खुद भी, तो अगर उसने मजीद स्टडी करनी है मजीद स्टडी करे, उसने काम करने काम करे। अच्छा एक बोलते हैं ना लेट सपोज वाली सिचुएशन, अगर ये नहीं होती और आपको किसी मीडिया की लड़की से करनी होती तो किससे आप करते अगर ऑप्शन होती? मेरे लिए मीडिया जो है ना वैसे टर्न ऑफ है, मतलब मे बी यूट्यूबर, यूट्यूबर कोई इंस्टाग्राम तो कोई लड़की है ही नहीं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम किससे करता? शर्मा गया पगले, समझ गया मैं करवा रही है शादी से पहले ही मैं समझ गया हूँ, मैं तो समझ गया था तो किसका नाम लेने आओ? नहीं नहीं कहाँ समझ गए। अच्छा कोई कोई फड्डा होता है वैसे नॉर्मली होते ही होंगे, लेकिन मैक्स बात इस बात पे कभी फड्डा हुआ कि ऐसा कॉन्टेंट नहीं डाला करो यार? फड्डा तो नहीं हुआ लेकिन मतलब इस तरह की कन्वर्सेशन आर्गुमेंट हुई है छोटी मोटी, यार ये ना डालो देखो कल को फलाना अगर कोई देखेगा तो इस तरह से सोचेगा, एंड आई एग्री ठीक है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो मैं थोड़ा सोचता इन बारे में, इस तरह की चीज़। हनीमून कहाँ मनाएंगे आप? मेरे साथ नहीं भाई, भाभी के साथ पता नहीं, प्लानिंग होती है ना देखो लोग लोग क्या करते हैं शादी के टाइम प्लानिंग नहीं करते, डेट पहले फिक्स कर लेते हैं, हॉल बुक किया नहीं होता, बाकी चीजें बुक की नहीं होती, बाद में भागम दौड़ी लग रही होती है। यार मैं अगर जाऊंगा तो 3 कंट्रीज ठीक है, महीने दो महीने का प्रॉपर टूर, और दुबई मालदीव से बीच में आ ही जाते हैं, क्योंकि देखो भाभी है सजिटेरियस, सजिटेरियस को ट्रैवलिंग पसंद है इंतहा से ज्यादा, और सजिटेरियस जो होती है लड़कियां वो खुददार भी होती है कि अपना पैसा कमाऊंगी अपना कुछ करना है मुझे, मेरी भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए हाउसवाइफ टाइप सीन तरह, वो कहती है ठीक है सही है, तो आपको ट्रैवलिंग अच्छी करानी पड़ेगी। तो आज का फर्ज करें आपकी अब हो रही है बुकिंग, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, तो क्या आप कौन सा मुल्क मांगेंगे? सही वो भी सही वो भी सही, नॉट बैड है सवाल, देखो कितना प्यारा बना हुआ है। अच्छा यार स्विट्जरलैंड मालदीव दुबई ये मेरे जेन में वैसे होते हैं, तो और वापसी पे मैं सोच रहा कि पेरिस न्यूयॉर्क उमरा उमरा भी कराएं इधर सऊदीया से। अच्छा अच्छा वो तस्वीर पे कितने लाइक्स आने वाले ना फिर कि भाई आपने वो पहना हुआ है और फिर आप बैठे। अच्छा तो ये आप अपने घर में रहेंगे या घर अलग कर लेंगे? घर में कौन कौन है? घर पे फैमिली होती है, अम्मी अब्बू बहन भाई सही हैं। तो नहीं आप अलग कर लेंगे? अगर मैं अलग अलग करता भी हूँ तो मैं बिल्कुल पास पास ही होगा, मतलब एक एक गली। भाभी ने डिमांड तो की है ना कि घर अलग होना नहीं, चाहिए? नहीं ऐसा उसने कोई डिमांड नहीं, नहीं कहा ऐसा, ऐसा। भाभी कुकिंग भी नहीं करेंगी ना? कुकिंग नहीं करती थी? कुछ अच्छा होगा? नहीं नहीं भाभी वैसे कुकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा भाभी का। कोशिश करती है? नहीं बनता होगा मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। नहीं ये उनका कसूर नहीं है, सजिटेरियस लड़कियां जो है उनका इंटरेस्ट नहीं होता इतना कुकिंग में, क्योंकि वो है सीईओ बनना चाहती है या कोई काम करना चाहती है ना, मोर इनटू वर्किंग वुमन टाइप सीन होता है, तो एक्सपेक्ट मत करेंगे बहू के हाथ में जादू होगा, कोई नहीं शेफ रख लेंगे। अच्छा अम्मी अब्बू की अम्मी अब्बू को पसंद है आपकी ये लड़की? अम्मी को तो बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब्बू अभी मिले नहीं है। अच्छा 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 अब्बू ने कोई खाला की बेटी कोई पप्पू की बेटी नहीं देखी हुई थी आपके लिए अमेरिका में? मैं तो घर में अचानक ही बताया कि मैंने शादी करनी है, वरना उनका दूर दूर तक कोई वो मूड नहीं, उनको तो लग रहा है कि मैं शायद कोई 30-40 में भी ना करूं। उन्होंने कहा अभी तक इलाज चल रहा है तो इसको पहले पूरा कर ले देख ले जो भी। नहीं मतलब वो होता है ना दिमागी इलाज होता है कि पहले ये बंदा सीरियस हो जाए, उनको सीरियस नहीं लगता होगा तू? हाँ नहीं इस तरह से मैंने शुरू में भी जब वो मेरे से कभी कभी पूछते हैं ना शादी वादी का, तो सम टाइम्स मैं उनको यही कहता था कि अभी नहीं अभी टाइम है फलाना है ये वो, तो मैंने ये अचानक ही आके जो है ना बताया, तो ऐसा उन्होंने मेरे लिए कुछ देखा नहीं हुआ था। तो क्या पसंद है आप भाभी को वैसे क्या पसंद है खाने में, और आपको एक एक ही जैसी चॉइसेस हैं या आप एग्री टू डिसएग्री वाला चक्कर है? बहुत डिफरेंट चॉइसेस हैं, मुझे थोड़ा बीफ स्टेक और वो थोड़ी क्रीमी चीजें उस तरह की पसंद है, और थोड़ा बटर में बना हुआ स्टेक वो इस तरह का कुछ पसंद है, मुझे सी फूड उस तरह का पसंद है, सैल्मन हो गया श्रिम्प्स प्रॉन्स क्रैब्स मुझे ये चीजें पसंद है, उसको ये सारी चीजें यू लगती है ठीक है, उसको पसंद है अपना पता ही नहीं है देखो ये शादी पिज्जा नहीं बता रहा हूँ पिज्जा 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 हो गया पास्ता हो गए ठीक है, और अगर कोई बर्गर अच्छा है तो इस तरह का हो गया। अच्छा अच्छा तो क्या चीज आपको दिल तो अच्छा हो गया, लेकिन एक होता है कि ये चीज ठीक है कि उसकी चॉइसेस अलग है तुम्हारी अलग है? खाने की चॉइसेस आई डोंट थिंक इतना आपके उसमें कॉम्प्लिकेशन डालेगी, लेकिन जो चॉइस मूवीज की भी बहुत डिफरेंट चॉइसेस है, मैं थोड़ा वो एक्शन उस तरह की देखता हूँ हॉलीवुड मार्वल डीसी हाँ वो दूसरी भी तो देखते हैं फिल्में जो बेनाम फिल्में भी तो देखते हैं बेनाम फिल्में और उसकी चॉइसेस हैं थोड़ी मतलब बॉलीवुड रोमांटिक टाइप
ठीक है, वो उसकी इस तरह की जो है, जबकि मैं नहीं, तुम वो हो के भाभी के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज देख सकते हो, या तुम बीच में अटेंशन स्पैन डिसऑर्डर है यार, पूरी नहीं, कौन नहीं, आई थिंक जो मूवीज अगर वो रिकमेंड करती है, इवन दो मेरा टेस्ट नहीं है बॉलीवुड, देख लेता तू, मैं फिर भी देख लेता हूँ और मुझे अच्छी लगती है, एक बार आई थिंक देखो तो आपको अच्छी लग जाएगी, वो शुरू में आपका इस तरह से इंटरेस्ट। अच्छा, तो वो वाला है कि अगर भाभी कहीं खड़ी है कोई देख रहा है तो जाके वो क्यों देख रहा है, ये वाला है तू कहेगा नहीं यार चलो दफा करो यार, तो नहीं, लड़की को अच्छा लगता है ये, लड़की कहती है प्रोटेक्टिव होना चाहिए ना, उसको फील आनी चाहिए, लड़की को पाकिस्तान और इंडिया में अलग सा सीन लगता है कि नहीं यार लड़का मेरे लिए लड़ाई करे, हाँ मतलब अगर लड़ लेगा तू, हाँ अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो मैं क्या कर, नहीं सुनाएगा, हाँ। वो तो तू सुनाएगा, लड़ भी लेंगे, लड़ लेंगे, ये मेरा भाई फुल टाइम। तो अच्छा, और गरारा शरारा जो है पता नहीं कितने के आते हैं, गरारा मींस अबे शादी पे क्या पहनाएगा भाभी को, स्पॉन्सर करवा लेंगे किसी से खुद पैसे नहीं लगाएगा, मुझे इनका आइडिया नहीं है डिजाइनर, मैं आज तुम्हें तैयारी पूरी बता रहा हूँ ना, मैं आपको समझ आ जाए, तेरा क्या पता दिमाग चेंज हो जाए शादी का, ये पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है लेकिन वहाँ पर 10 लाख का गरारा, HSY, नोमी अंसारी का मेहंदी का ड्रेस आ रहा है, और वो तकरीबन जो है 20-25 लाख रुपए तक का आता है, और मनीष मल्होत्रा टाइप की कोई डिमांड कर दी या बानो आपा टाइप की डिमांड कर दी भाभी ने, तो कम से कम भी 20-25 लाख रुपए का खर्च होना है ये, फिर खैर है कोई मसला नहीं, एक स्पॉन्सर है मैंने कोई मसला नहीं, वो तो है, लेकिन तू ऐसा दिमाग है ना तेरा कि खर्चा निकाल लेगा तू, हाँ हाँ वो तो रिकवर हो जाएंगे पैसे, रिकवर तो हमारा देखना, हमने तो एक सूट ही पहनना है, हम पे तो मैक्सिमम क्या ही खर्चा ही होगा, लेकिन जो खवातीन होती है उनका ठीक ठाक होता है, मैं तो शायद कच्छों में चला जाऊँ तो ये कच्छों में उसमें जाएगा, इसी वजह से रिश्ते में पता है ना ऐसी बातों पे, फिर वो उसकी खाला भी देख रही होंगी, मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत ही शरीफ लड़का है, पाकीज़ा लड़का है, और हर किस्म की बोतलों से दूर है, हर किस्म की खवातीन से दूर है, बहुत ही, हाँ लेकिन गेमिंग की दुनिया में ज्यादा है, गेमिंग के बारे में भाभी क्या कहती है, गेमिंग उसको थोड़ी चाइल्डिश लगती है, लेकिन मैं थोड़ा उसको बताता हूँ कि तेरी अच्छी चीज क्या लगती है, अभी तक मुझे तो ये नहीं लगता, तो चीज अच्छी भी लगती है उसको, चश्मा नहीं उसको, उसको चश्मा चलता, उसको पसंद है कि मैं थोड़ा मेहनती हूँ, और एक डिफरेंट इमेज उसको जो है वो चीज अच्छी लगी है, कि इंटरनेट पे एक डिफरेंट चीज है और वो रियल लाइफ में एक डिफरेंट चीज है, मैं रियल लाइफ में थोड़ा मतलब तमीज से बात करने वाला और ये सारा हूँ, और उसको ये चीज भी अच्छी लगी, तो काफी सारी चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आज तक आपने क्या गिफ्ट दिया भाभी को? मैंने फोन दिया है। कौन सा? बर्थडे पे आईफोन। फोन? अच्छा ठीक है। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू। अरे अंदर से देख रही है, काले शीशों में से कैसे पहचान लिया? वो मेरी गाड़ी है ना। अच्छा 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 तो ये मुझे बताया कि उसने क्या गिफ्ट दिया? उसने मुझे हुडी शर्ट, तूने गिफ्ट क्या दिया था? तूने वही गिफ्ट तो नहीं दिया जो फ्री के फोन आते हैं प्रमोशन के लिए? नहीं नहीं, आईफोन एप्पल क्यों स्पॉन्सर करेगा? अच्छा 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 अच्छा, आईफोन कौन सा, लेटेस्ट वाला? तब लेटेस्ट था आईफोन का। अच्छा, तो तुझे क्या मिला गिफ्ट? हुडी शर्ट परफ्यूम। और क्या कहते हैं, कभी सरप्राइज बर्थडे प्लान किया तूने? सरप्राइज बर्थडे मतलब इतना पता था कि बर्थडे है, और मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा सेटअप, यू नो, हैप्पी बर्थडे नहीं लिखवाया। ओए ओए, रोमांटिक रोमांटिक बना हो रहा भाई, रोमांटिक चल रहा था फुल, मतलब क्या, अच्छा तू रोमांटिक है, होता है या नहीं यार? मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अब इस वक्त अगर आप मुझे कहोगे रोमांटिक होगे तू, मैं हम दोनों क्यों बोलेंगे कि तू हमारे साथ रोमांटिक हो, ना ही हो अच्छा। हाँ, हमें अगर लड़के के पास भी जाना तो ऐसे लौंडे के पास तो नहीं जाने वाले, उसमें हम कम से कम कोई सही वाले चिकना होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद जो है रहने का प्लान जो है लाहौर में ही है अल्टीमेटली? हाँ लाहौर। अच्छा, यूज टू हूँ मैं। ऐसे झगड़े हुए थे कि वो जात पात का, कोई पंजाबी में जैसे होता है ना वो अराई है तो मैं जट हूँ, मैं बट हूँ? नहीं, इस तरह इन चीजों में मैं ना, मैं बिलीव करता हूँ ना उस, नहीं फैमिलियों की बात हो रही है, आप दोनों तो नहीं करते? फैमिली भी नहीं, जट है वो लोग, वो हैं, अब अगर मैं बता दूंगा ना तो लोग नहीं 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 नहीं। और मैं तो, अच्छा आपका प्लान है कि अब भाभी के साथ व्लॉग चल रहे हैं बार बार? मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती कुछ बनाऊंगा और ये वो, लेकिन अगर जाहिर है अगर मैं डेली व्लॉग बना रहा हूँ और मेरे घर में मेरी वाइफ है तो मैं इस तरह तो नहीं कह सकता कि मेरी वाइफ है नहीं, मैं मे भी उसको ऑन कैमरा ना लेके आऊँ और वो मेरा कैमरा संभाल लिया करेगी, थोड़ी मैं एडिटिंग उसको सिखा दिया करूंगा, वो थोड़ा कोई कर दिया करेगी, मतलब मेरे काम में इन्वॉल्व, क्योंकि जैसे मैं तो ये सोचता हूँ मेरे तो जब कभी कहीं होनी होगी मैं तो कभी ना लाऊं, अगर वो ऑलरेडी कोई मॉडल, अगर मेरी शादी किसी मॉडल या किसी उससे एक्ट्रेस से अगर प्यार व्यार हो गया वहाँ हो रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर नहीं है तो मैं तो नहीं चाहूंगा कभी आए, क्योंकि तुझे पता है सोशल मीडिया का प्रेशर कैसा होता है। हाँ, सोशल मीडिया थोड़ा वो नेगेटिव जो है ना वो डार्क साइड भी है इसकी अपना, मैं बस क्या नाम है, अभी भी अगर मैंने कहीं ना कहीं मेंशन किया या कभी वीडियो बनाई है, मैंने कभी दिखाया नहीं है।
एडिटिंग के दौरान भी मैं डबल चेक कर लेता हूँ कि किसी रिफ्लेक्शन में ना कहीं नजर आ जाए ये वो। तो अभी कितने साल का है? मैं 24 का हुआ। 24 का हो गया है। हाँ। तो 25 में यानी तेरी शादी मुक जाएगी। काइंड ऑफ 25 तक का मैं मैरिड हूँ। अच्छा, ग्रैंड शादी होने वाली है, वलीमा होने वाला है शादी वादी, या तू समझता नहीं या सादा सादा खुशबू पान? सादा ही होगा लेकिन अच्छा होगा, मतलब एक अच्छा वाला सादा, मतलब ऐसा नहीं कि हर 3-4-5-6 फंक्शन हो रहे हैं। नहीं, हम पंजाबी, हम जैसे हम मेरी भी फैमिली पंजाबियों में, हमें जरा होता है थोड़ा सा ना, थोड़ी शो तो थोड़ा सा, तो एक ही बेटा है समझ रहे, वो एक सीन होता है। तो तेरे केस में ऐसा होने वाला है कि पटाखे वटाखे फट रहे हैं? और पटाखे ढोल ये तो मुझे वैसे ही अनोइंग लगते हैं थोड़ा कान में ना मुझे। हाँ। कहाँ पे? कान में। अच्छा अच्छा तो मैंने बोला ढोल और काफी बड़ा हो जाएगा। तो वो जो है मुझे वैसे ही इतना कोई पसंद नहीं है। इवन अगर मैं इधर किसी हल्ला गुल्ला रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ ना, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ म्यूजिक स्लो कर दो, मुझे पीस पसंद है, सुकून। तो वो ढोल शोल जो है। भाभी की क्या फरमाइश है कि मेहंदी ग्रैंड नहीं होनी चाहिए? ग्रैंड बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई हजार बंदा इनवाइट। अच्छा, तो तू तो इस बात पे बिलीव करता है जैसे मैं कहता हूँ भाई नाचने तो फिर क्लब नाइट करो, सब नाचो, ये क्या बात हुई कि चार अंकल देख रहे हैं, छह आंटियां देख रही हैं, तो ड्राइवर खान सामा भी वहीं घूम रहे हैं और लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, भाई सब नाचो, अंकल एक पॉवर्ट से अंकल दूर बैठ के देख रहे हैं। तू क्लब नाइट करेगा या फिर तू क्या करनी मेहंदी जैसी होती है यार वो माइयो मेहंदी? हाँ नहीं, मेहंदी पीसफुल, एक अच्छा फंक्शन, पीसफुल कौन सा टाइप फ्रेंडली होगा वहाँ पे। हाँ मतलब ये वो जो नाचना मुझे तो लगता है कि एक अनपेड मुजरा चल रहा होता है, मतलब वो मुझे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल भी कर देगा। हाँ। आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, मैं तो मानता ही नहीं उस चीज को। मैं तो कहता हूँ ना कि आपने सिर्फ शादी बच्चों की रखी है जिसमें सिर्फ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इट मेक सेंस। फिर चलो वहाँ पे होया था गाना गुना शादी शुदी, अब दादा दादी परदादा बैठे हुए हैं उनके सामने नाच रहे हैं आप। हाँ वो थोड़ा ऑड लगता है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, यानी तो बहुत जल्दी जो है। अच्छा, इसमें कोई एक्सक्लूसिव आप फैंस के लिए कहेंगे, कोई ये करके दिखाए तो एक दो फैन को इनविटेशन देंगे आप, ऐसा एक्सक्लूसिव पास डकी भाई की? एक्सक्लूसिव पास, गेस्ट ऑफ ऑनर। यार अभी तो फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये आइडिया आपने अच्छा दिया, मैं कर सकता हूँ ऐसा कुछ ना। अच्छा, तो लाहौर में वैसे एक बात कह रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं हम, ऐसी बातें होती नहीं ना, बार बार मिलते भी नहीं है, तो ये एक हॉल बुक कराना हो तो शादी या वलीमे का? आप शादी का तो चलो वो करेंगे, वलीमे का तू कहाँ करेगा? एक बात है ऐसी, फौरन अब फटाफट शादी होने लगी, पता चले पाकिस्तान पे हमला हो रहा है और फौरन शादी कर दी है, होता मेरे जहन में कुछ आइडिया होता ना, अभी मैं पूछता हूँ ये शादी वावी जिनसे इनकी शादी हुई है रिसेंटली हुई है, तो इनको ज्यादा आइडिया होगा। मैं तो अभी इन चीजों के बारे में रिसर्च शुरू ही नहीं की हॉल क्या होता है। भाईजान ये सबसे अहम चीजें हैं। अच्छा, आपके खानदान में या उनके खानदान में ऐसे अंकल तो जरूर होंगे आंटी की यार यहाँ कहाँ करा रहे हो यार, एक हमारे घर में भी तो लड़का था, एक डॉक्टर था, इंजीनियर था, ये क्या? हाँ लेकिन शायद वो बातें मेरे तक पहुंचती नहीं है, या नहीं बताना चाह रहा। नहीं यहाँ तो मैं बता दूंगा, यहाँ तो बड़ा कुछ बताया, लेकिन कहना मैं कुछ बातें हैं जो वैसे मेरे तक पहुंचती नहीं है, उनको वैसे भी घर वालों को पता है कि वो उसने कौन सी सुन लेनी है। अच्छा, जो अपनी बेगम के साथ ब्लॉग बनाते भी हैं, मैं किसी को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि आना चाहिए इस तरह या नहीं आना चाहिए? यार ये हर किसी की अपना पर्सनल कंसीडरिंग सोशल मीडिया, हर किसी की जो है ना एक अपनी ऑडियंस है। अब कुछ क्रिएटर्स हैं जो अपनी वाइफ को लेके आते हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस जो है उसको नेगेटिवली कुछ नहीं बोलती। कुछ ऐसे हैं जो जिनकी ऑडियंस ही थोड़ी ना उस तरह की है, वो अगर लेके आएंगे तो हो सकता है उनकी ऑडियंस जो है उसका शुगर लगाए, ये मजाक बनाए, मीम्स में ले जाए ये वो। और शुरू में आपको पता ही है, आप शादी करो ना करो, मतलब आप शादी करो, ठीक है, और क्या नाम है, उसके बाद अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, स्पेशली अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हो आप छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको इसी चीज का स्ट्रेस रहेगा कि कोई देख ना ले, ठीक है, किसी कोई फोटो ना ले ले, कोई क्या नाम है, आपका बाहर घूमना अजाब हो जाएगा। सोशल मीडिया वालों को या मीडिया वालों को आने दो, जैसे आतिफ असलम की शादी थी तो उसने इतना ज्यादा नहीं किया, उसने कहा भाई सादगी से बस करके निपटाओ भाई। नहीं मेरा भी यही है, सादगी से निपटाओ। जैसे हम नहीं आया होगा वहाँ पे, हमजा अली अब्बासी ने बड़ा अच्छा किया था, उसने सिर्फ एक निकाह करके ऊपर मनाल पे डिनर रखा, बहुत ही लिमिटेड। यही प्लान है कि एक फंक्शन, ठीक है, डिसेंट सा और पहाड़ी इलाकों में, ऐसी लड़की वालों पे भी खर्चे का इतना वो जा रहा है, उससे वही खर्चा अगर करना ही है तो भाई वर्ल्ड टूर पे निकल जाए वो लेके। उसमें ऐसे अंकल आए हुए जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, सलामी भी थोड़ी देनी है, कम देनी है, और वो आगे जाके उन्होंने बातें भी करनी, लड़का सही नहीं लग रहा था, यूं लग रहा था, इससे बेहतर है आपने ऊपर मुनाल डन हो गया भाई, मुनाल शादी भाभी हमने डन कर लिया, हम दोनों ने मुनाल पे होगा आपका निकाह, वहीं होगा, वहीं करें, उसके बाद एक हल्का फुल्का सा मौसीकी का कवाली नाइट रखें, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज, वर्ल्ड टूर पे निकल जाए, वहां से आप जाए सीशेल जाए, बोरा बोरा जाए, क्योंकि आप दोनों पीसफुल है, और बोरा बोरा सीशेल मालदीव ना जाए, मालदीव में हर कोई जा चुका है, मालदीव इस वक्त कागान नारान बन चुका है। कैसा तेरी शादी अभी फुल फिट कर दी मैंने, नोमी अंसारी का जोड़ा हो गया सारा प्लान हो गया, अच्छा बानो आपा का वो हो गया ड्रेस हो गया शादी का, और क्या होता है,
और एक और भी कुछ चीज होती है, ओ ब्राइडल शावर, वो तो भाभी करेंगे, तू कराएगा? वो क्या होता है ब्राइडल शावर? होता है बेसिकली, तो ब्राइडल शावर का ये मतलब है जो शादी पे दोस्त नहीं आ सकते ना उनके लिए पहले से एक रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्राइडल शावर ऐसे ही होता है, लड़की का ऐसे ही कर देते, हो गई हो गया ना, सवाल पूछा गबरू है तो तूने एकदम कर दिया। उसके हम चाहते हैं शादी हो, हम भी शरीफ लगे इसकी शादी में, और उनको पता है आपका दोस्त करे वकार सका, चलो जो थोड़ा थोड़ा बहुत होना भी था वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, कॉफी का टाइम आ गया। पिस्ता या कॉफी फ्लेवर, दो फ्लेवर कुछ ऐसा जो आपका दिमाग खोल दे। एक मिली पिस्ता ले, ठीक है, ये आप कॉफी या पिस्ता? पिस्ता, दो पिस्ता एक कॉफी, हाँ ठीक है, कॉफी दोनों बैग, हाँ बैग में जल्दी जरा कुछ चले जी। बेस्ट ऑफ लक डकी, इंशाल्लाह अगले साल तक आपकी शादी हो, अल्लाह ताला आपको। अच्छा आप बाहर नेशनलिटी लेना चाहेंगे या नहीं? यार पीआर फ्लो पे डिपेंड करता है, अभी ऐसा मेरा कोई मतलब ज़हन नहीं बना, मेरा मोस्टली काम फिलहाल तो पाकिस्तान में ही है, तो हाँ बट अपने उसका एक अपना लेवल है, मतलब ब्लू पासपोर्ट लेके फिर टर्किश पासपोर्ट लेके फिर जापानीज पासपोर्ट, उनका अपना लेवल है, तो फॉर नाउ तो लाहौर ही ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अभी हम जा रहे हैं, अगर हमें टेबल मिल गई तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, नहीं मिलेगी तो चुपचाप कहेंगे हम बहुत एंजॉय करके अंदर आए, बड़ा मजा आया। एपी डिल ने खुद आके स्टेज पे हाथ पकड़ के बुलाया था ऊपर, अंदर कह देंगे वो अंदर फिल्म नहीं करने दे रहे हैं, अंदर बड़ा मजा आया, एपी हमारी जोली में बैठा हुआ, हमारी प्राइवेट प्राइवेट पार्टी थी तो हम शूट नहीं कर सके। बस ये देखें कि वहाँ पार्किंग के लिए जब आप जाते हैं तो वैले लेता है आपसे 500 धरम, यानी कि 25,000 रुपए तकरीबन, 28,000-29,000 रुपए। और जब इधर आप, ये है पार्किंग, यहाँ खड़ी कर लें, आपको 5 कदम ना लेने पड़े, पता क्या होगा, लोग पहले जब भर देंगे ना तब नहीं खड़े सके, वो 500 धर्म उस चीज के हैं कि बेटा अब तो तू खड़ी करके आएगा वो वहाँ। तो ये अभी मैनहट्टन चल रहा है फुल, मैनहट्टन में इतनी होती है पार्किंग। अच्छा जब मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ ना कि भाई अरे ये वहाँ न्यूयॉर्क में भी ऐसा था, तो शो क्यों मार रहे हो कि तुमने न्यूयॉर्क भी देखा हुआ है? अबे भाई एक इन्फॉर्मेशन दी है इसमें मैं, अच्छा नहीं वो भी था पहली दफा, वो फर्स्ट क्लास का मैंने बताया, देखें ये बटन दबता ये खोता, वो शोधा शोधे नहीं बना शोध, उस जमाने में 2014 में ब्लॉग का कॉन्सेप्ट यार मेरा प्ले बटन आ गया, जो प्ले बटन मिलता ही मिलता है, मेरा यूट्यूब का प्ले बटन आ गया तब शोखियां मार रहे हो। ओ मैन यार ये तो एपी बहुत बड़ा कोई फैन, एपी का फैन है तू क्या? एपी कितना बड़ा फैन है यार, एपी एपी के जब मैंने गाने सुने हैं ना तब फर्स्ट टाइम मुझे बॉलीवुड और हिंदी गानों से को अच्छा मोहब्बत हो गई। हाँ अब मैं एपी के गाने अक्सर ट्रेडमिल के दौरान सुनता हूँ, मैं अपना डंबल। अच्छा ये आंटियों का क्या सीन है दुबई में वो बताएं थोड़ा, ये तो बोरिंग बात की आपने बिल्कुल। यार देखिए दुबई में आंटियों का ये सीन है, आंटी थोड़ी हाथ क्यों रख रही है, आंटियों का ये सीन है कि अगर आप खूबसूरत लौंडे हो और अगर कोई आंटी आप ने आपको पसंद कर लिया तो उसके बाद आपका खाना पीना सोना उठना आपकी गाड़ी आपका घर आपका खर्चा वही आंटियां करती हैं। 200 करोड़ रुपए की फैक्ट्री वाली खातून के साथ हमारा भी कोई एक दोस्त था यहाँ, हाँ तो उसने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी। तू नहीं है जानू, तेरे पे नहीं मर सकती कोई आंटी, खुरदरे रेग मार तुझे लेकर जाएगी कहीं लड़की है? रेग मार के मुंह वाले मैं कभी इसको आंटी ने अगर किसी ने पसंद कर लिया लुई विटॉन जिमी चू टाइप वाली मैं आत्महत्या कर लूंगा। नाबीना हो सकती है नाबीना, अल्लाह की कसम लड़कियों का सीने दर, अगर आंटी आपसे फंस गई तो आपकी जिंदगी जन्नत है और जिस दिन वो चली गई उस दिन आपकी जिंदगी दोबारा दोस्त है। तुझे कभी आंटियों ने किसी ने ऑफर? मैं तो दुबई अभी आया ही तीसरी चौथी बार नहीं, वहां पर लाहौर में, लाहौर में आंटियां होती नहीं है, वहाँ यंग यूथ है सारी है ना। नहीं नहीं लाहौर में आंटियों को मैं तो नहीं मुंह लगता इतना भाई, वो आपको मुंह लगा रही नहीं लगा रही ये सवाल पूछा है हमने, कह रहे मैं मुंह नहीं लगाता, ये मुझे नहीं पता कौन से टॉपिक है। शरीफ बच्चा, शरीफ बच्चा यार, मैं अपने कमरे में यार एक कुर्सी पे बैठ के टुई मरवाता हूँ अपने यूट्यूब पे बस, सॉरी टुई टुई टी ओ टी ओ यू, हाँ वो टुई तो यार तो अब टुई को टुई ना बोले तो क्या बोले, बॉडी पार्ट है ना, बॉडी पार्ट कैन नॉट बी गाली, अब टुई को क्या बोले, अमजद बोले क्या बोले। तो मैं अपने 24 घंटे की कुर्सी के ऊपर बैठ के जाया करता हूँ काम, वो कहाँ मेरे पास टाइम आंटियों का भाई, देखो तो दुबई वालों को जब पता लगा भाई दुबई में एंटर हो गया, उन्होंने देखो क्या क्या नहीं किया यार मेरे लिए, वो नहीं होता मियाँ चन्नू से बत्तियां देखने पर मीनारे पाकिस्तान पहली दफा देख के बंदा खुश हो रहा होता है, 14 अगस्त पे आता है ना कि तो ये वे बत्तियां देख है, ये कैसा सीन है यार, ओए क्या रंग बिरंगा सीन है भाई, जैसे हम बुर्ज खलीफा को कह रहा है वो इतना बड़ा मीनारे पाकिस्तान। अच्छा पता है डेली व्लॉगिंग ये थी, जब तक व्लॉग ना डालना उससे पहले कि मैं स्टूडियो नहीं लगाता, सस्पेंस खराब हुआ था मतलब यार, ये नहीं देखा
रिएक्शन आ गया यार, रिएक्शन ओह माय गॉड, यार आ गया मैं, ओह माय गॉड, दिस इज लाइफ मैन, ओ भाई साहब ये दुनिया ही इतनी मोसी दुनिया में आ गया। हम हमारे पास से जा रहे हैं 10,000 धर्म।